हेलो एवरीवन मींस 2023 को हार्डली 24 दिन रह गए हैं इस टाइम पे जो एक चीज़ जो सब मेंस अपेयरिंग एस्पिरेंट्स फील कर रहे होंगे दैट इज़ द राइजिंग एंजाइटी अब इस राइजिंग एंजाइटी को कम करने का सबसे सही तरीका है कि आप बैठकर पढ़ते रहें ठीक है यू हैव टू वर्क ऑन योर कंटेंट यू हैव टू वर्क ऑन राइटिंग टेस्ट एंड यू हैव टू रिवाइज ठीक है अडिशनल रिविजन पर इसलिए हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारा पढ़ लिया आपने आपने लेकिन अगर उसको कंसॉलिडेट नहीं किया अगर आप एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे एग्जामिनर वुड ओनली नो वॉट एवर यू हैव रेड बाई वॉट यू हैव रिटर्न देर और आप तभी उसको लिख कर आ सकते हैं जब आपने उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है और कंसोलिडेट किया है इसी के लिए हम लेकर आए हैं रैपिड रिविजन रैंकर्स बैच न दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ राइट और अगर मैं इस बैच की बात करूँ इसमें हम हर दिन एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे फॉर इंस्टेंस अगर हम 25 से शुरू कर रहे हैं तो 25 को हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से शुरू करेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी लाइफ एवरी डे यू हैव टू स्पेयर थ्री फोर आवर्स मैक्सिमम देखिये हमें पूरा एहसास है आप मेन्स में अपेयर होंगे आपको जी एस का कॉन्टेंट पढ़ना है रिवाइज करना है पेपर लिखने हैं ऑप्शनल पढ़ना है उसके पेपर लिखने हैं ठीक है यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट ठीक है यू हैव टू फोकस ऑन एस सी ऑल्सो सो द होल आइडिया इज दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक मोर देन थ्री टू फोर आवर्स ऑफ योर्स एंड वी हैव टू इंश्योर कि आपके वो तीन से चार घंटे हाईली प्रोडक्टिव हों अगर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से स्टार्ट करेंगे तो हम तीन चार घंटे में जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस जितनी भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जजमेंट कहाँ पे कोर्ट हो सकती है क्या रेलिवेंस है वो सब चीजें पढ़ेंगे इसमें आपको ना तो कोई कंटेंट पढ़ा रहा है ना ही कोई एनालाइज कर रहा है वी आर ओनली वर्किंग ऑन रेडी मेड मटीरियल सो दैट नॉट ओनली इट हेल्प्स यू टू रिवाइज बट इट ऑल्सो प्रिपेयर यू कि एग्जाम से जस्ट पहले आपको क्या क्या देखना है यू कांट मिस दीज थिंग्स राइट दैट इज दी होल आइडिया सो वी विल बी फोकसिंग ऑन वैल्यूडेशन कंटेंट एंड रेडीमेड फ्रेमवर्क जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है हर साल या एवरी अदर यर यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस ठीक है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की अगर मैं बात करूँ तो इसका कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड क्या है डॉक्टरिन समाधान सिम्पल इंट्रोडक्शन क्या होगा तीन चार डेटा सेट्स के पॉइंट वो आप याद कर लीजिए सिंपल ठीक है सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट वी आर कंडक्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर ह्यूज़ सक्सेस ऑफ द रैपिड रिविजन कोर्स फॉर प्रिलिम्स उसके बाद वी विल ऑल्सो भी टेलिंग यू अबाउट सर्टन मेन्स रेडी एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज ठीक है अगर कहीं पे वॉटर हार्वेस्टिंग हुई तो इसका एग्जाम्पल एक जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में हम कहते हैं कि जब भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है इन विलेज पे प्लान थ्री इन राजस्थान एक पेड़ लगाए जाते हैं ठीक है सो सच एग्जाम्पल्स विच कैन बी कोटेड रेडीली इन द एग्जाम सो दैट इज द मेन फोकस ऑफ दिस बैच एंड नॉट एट ऑल कॉन्टेंट और आंसर राइटिंग और नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एकदम लास्ट मिनट रिविजन पर फोकस है राइट right? उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट हम उनको टच करने की कोशिश करेंगे ऑल द डेटा विच इज रेलिवेंट फॉर मेंस 2023 ट्वेंटी थ्री आई फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे और फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट एंड सच एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड एस ठीक है आपने ओ टू ई टू फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा कि ऑप्शनल के दो पेपर और एस और एथिक्स ही है जो आपको मेंस ना केवल पार करवाते हैं बट इंश्योर करते हैं कि अगर आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए तो आपको आई ही मिले तो उस मास्टर क्लास ऑन एस एंड एथिक्स भी रहेगी सो दिस इज अ 10 डेज कोर्स लाइक आई said, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ एंड वेरी प्रोडक्टिव ठीक है सो थ्री टू फोर आवर्स ऑन दिस एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर दैट सब्जेक्ट एंड थ्री टू फोर आवर्स भी मैं अपर लिमिट बोल रही हूँ कुछ जो थोड़े से रिलेटिवली छोटे सब्जेक्ट है फॉर इंस्टेंस सोशल इश्यूज उसका शायद हम दो घंटे में ही कर दें राइट सो दिस इज द स्केड्यूल इट विल स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ गो अप टू सेवेंथ और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस 5000 है बट वी आर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 10% परसेंट एंड द कोड इज आर आर एम एंड यू नो इन केस आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं यू विल ऑल्सो गेट अडिशनल डिस्काउंट सो इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस कोर्स आई दर यू कैन कॉमेंट बिलो और यू कैन एक्चुअली कॉलर्स ऑन वन एट डबल जीरो एट नाइन जीरो थ्री जीरो फोर थ्री एंड फाइनली मैं इस बात से कंक्लूड करना चाह चाहूँगी कि देखिए प्रिलम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है आप सबने देखा है इस साल बहुत सारे बच्चे सी सैट में फेल हुए लेकिन अगर आपने क्लियर किया है और आपको मेन्स लिखने का चांस मिला है डोंट रियली इट अवे एंगजा एंगजाइटी इज़ रियल हमारे पास इन हाउस साइकोलॉजिस्ट है हम उनसे भी बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना मैसेजेस आते हैं कि लास्ट मोमेंट अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या बहुत घबराहट हो रही है तो उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है या तो आप पढ़ते रहें ठीक है पेपर्स लिखते रहें और रिवाइज करते रहें और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं सो यू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट ठीक है बट डोंट गिव योर चांस अवे ऑफ राइटिंग ऑफ नॉट ओनली राइटिंग दिस इयर्स मीन्स बट ऑल्सो क्लियरिंग इट ठीक है बिकॉज लास्ट के कुछ दिन होते हैं हमेशा ही मोमेंटम सेट करते हैं कि आपका पेपर कैसा जाएगा सो मेक द मोस्ट ऑफ इट राइट इवन इफ यूर नॉट ज्वाइनिंग आर कॉज देन ऑल्सो मेक द मोस्ट ऑफ इट इन वॉट एवर फॉर्म दैट यू थिंक इज परफेक्ट Right. So that was all from my side. Have a nice day. Thank you.